जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। जो भी नया है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूले। तो दोस्तों अभी मैं आपको बहुत बड़ा ब्रेकिंग न्यूज़ देने वाला हूँ, जिससे कि आपको ये स्पष्ट हो जाएगा कि 24 तारीख का जो एग्ज़ाम है यानी BSSC CGL 3 का जो 24 शिफ्ट तारीख का जो एग्ज़ाम था फर्स्ट शिफ्ट का, वो कैंसिल नहीं होने वाला है। क्यों नहीं होने वाला है अभी मैं आपको दिखाऊंगा। जैसा कि यहाँ प्रेस विज्ञप्ति जो है बिहार पुलिस की ओर से निकला गया है, इसमें क्या लिखा गया है आप देख पा रहे होंगे कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग पटना द्वारा विज्ञापन संख्या 1/2022 तृतीय स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2022 के दिनांक 24/12/2022 को आयोजित प्रथम पाली के प्रश्न पत्र लीक होने की सूचना श्री मनोज कुमार विशेष कार्य पदाधिकारी सह परीक्षा प्रभारी यानी जो मनोज कुमार जो बिहार कर्मचारी के जो है सुपरवाइजर है वो के माध्यम से आर्थिक अपराध इकाई से को प्राप्त हुई, जिससे स्पष्ट हुआ कि उक्त दिनांक जो है 24 दिसंबर 2022 को आयोजित प्रथम पाली के दौरान परीक्षा केंद्र BS कॉलेज दानापुर कमरा नंबर 7 जो है में आवंटित प्रश्न पत्र संबंधित जो अभ्यर्थी है प्रशांत कुमार और उसके पिताजी का नाम विनय शाह और नटवर रोड में उनका घर है, थाना विक्रमगंज और रोहतास जिला के निवासी है एवं अन्य लोगों के द्वारा जो है साजिश से परीक्षा में व्यवधान उत्पन्न कर गलत उद्देश्य से इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण का चोरी छिपे दुरुपयोग कर प्रश्न पत्र का जो फोटो खींच लिया गया और उसे वायरल किया गया है, जो एक गंभीर मामला है। देखिए दोस्तों यहाँ आगे लिखते हैं कि आर्थिक अपराध इकाई द्वारा इस संबंध में आर्थिक अपराध थाना कांड संख्या इतना दिनांक 4/1/2023 धारा की, यहाँ धारा की बात की गई है, IT एक्ट की बात की गई है, बिहार परीक्षा नियंत्रक अधिनियम 1981 का हवाला दिया गया है एवं पुलिस उपाधीक्षक यानी SI के स्तर पर पदाधिकारियों को अनुसंधानकर्ता ने बनाया गया है। अनुसंधान में ये बात प्रकाश में आई कि अभी के यहाँ से मुख्य बिंदु हमारा जो है चालू हो जाएगा कि आपका एग्ज़ाम कैंसिल होगा या नहीं होगा। तो बहुत बड़ी अपडेट है दोस्तों आप लोगों के लिए कि अनुसंधान में ये बात प्रकाश में आई कि उक्त परीक्षा जो 24 दिसंबर को हुई थी उसका जो टाइमिंग था 10 बजे से 12:15 तक आयोजित की गई थी। उक्त परीक्षा के BSSC कॉलेज दानापुर में शामिल अभ्यर्थी प्रशांत कुमार, जिसका पिता का नाम श्री विनय शाह है और ग्राम धनगाई कचहरी थाना विक्रमगंज है और जिला रोहतास है, वो जो है 12:14 में यानी एग्ज़ाम ख़त्म होने से 1 मिनट पूर्व जो है अपने मोबाइल से उन्होंने फ़ोटो खींचा और 1:10 में अपने दो मित्रों को भेजा और तब तक परीक्षा के करीब 55 मिनट यानी 55 मिनट के बाद क्वेश्चन वायरल किया गया है। आर्थिक जो टीम थी SIT जो गठन किया गया था उनके द्वारा यही रिपोर्ट दिया गया कि इस शिफ्ट का क्वेश्चन वायरल नहीं हुआ है, और जिससे ये स्पष्ट होता है कि अब जो है BSSC CGL का जो 24 तारीख वाला जो एग्ज़ाम था वो अब कैंसिल नहीं होगा। इस कांड के अनुसंधान में विशेष अनुसंधान दल द्वारा तकनीकी अनुसंधान एवं प्राप्त साक्ष्य के आधार पर दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जो एग्ज़ाम का जो फोटो लिए और दोनों को जो भेजे हैं उन्हें जो है जेल किया गया। इस कांड में सभी महत्वपूर्ण बिंदु पर वैज्ञानिक तरीके से तकनीकी अनुसंधान किया जा रहा है। इस षड्यंत्र में शामिल हर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध जो है साक्ष्य के आधार पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पे आपने स्पष्ट रूप से देखा कि यहाँ पे जो है जो SIT गठन हुआ था उसने साफ बता दिया कि एग्ज़ाम के जो है ड्यूरेशन में नहीं आई है, जहाँ तक ये जाँच की बात है अभी से यही स्पष्ट हो रहा है कि इस एग्ज़ाम को यानी थर्ड शिफ्ट जो है आपका कैंसिल नहीं होने वाली थी। यही एक अपडेट था दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो अपने जो दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।